इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार पंकज संघवी पर विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय ने व्यापम घोटाले का आरोप होने का बयान जारी कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। व्यापम घोटाले को ही मुद्दा बनाकर कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटी है। अब विसल ब्लोअर का कांग्रेस उम्मीदवार पर यह आरोप कांग्रेस की मुश्किलें खड़ा कर रहा है। एक और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी रैली में व्यापम घोटाले की जांच कराने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर पार्टी ने इंदौर लोकसभा सीट से उन पंकज संघी को प्रत्याशी बनाया है जिन पर घोटाले में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। व्यापम घोटाले के नए सिरे से जांच होगी जिसमें भाजपा नेताओं ने लाखों बेरोजगारों की जेब से पैसा निकाला है। 1 मई 2019 को मध्य प्रदेश की होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा सीट पर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह बात कही थी। यह पहला मौका नहीं था जब प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस ने व्यापम घोटाले को भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने का हथियार बनाया हो। 2013 से लगातार वह भाजपा पर व्यापम घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाती रही है। 2004 से कुछ केसेस पकड़ में आए छुटपुट। 2009 में मॉडस ऑफ अपरेंडी हमको पता चला तो हमने उसकी लिखित शिकायत की। उसके बाद फिर 2013 में डॉक्टर जगदीश सागर पकड़ाया और जगदीश सागर के पकड़ाने के बाद जो और मॉडस ऑफ अपरेंडी थी, संजीव सक्सेना पकड़ाया, पंकज संघवी को हिरासत में लिया गया। तो इस पंकज संघवी जो इंदौर से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, इनके जो गुजराती समाज के स्कूल हैं इसमें 37 पर्यवेक्षक मास चीटिंग करवा रहे थे जिनको सीबीआई ने हिरासत में लिया और वो फिलहाल जमानत पे बाहर हैं। इनकी जमानत पंकज संघवी ने करवाई है और पंकज संघवी का उसमें पूरी सरपरस्ती में वहाँ नकल हो रही थी। 2012 पीएमटी, 2013 पीएमटी और 2011 में पंकज संघवी का बड़ा रोल है और पंकज त्रिवेदी और पंकज संघवी आपस में दोस्त हैं जो मुख्य सरगना है इसका। जगदीश सागर से भी ये परीक्षा के एक दिन पहले मिला था। तो यदि कांग्रेस ने उसको टिकट दिया है तो ये कांग्रेस खुद तय कर नहीं पा रही है कि उसको व्यापम घोटाले पर क्या स्टैंड लेना है। यदि आप इस तरीके के संजीव सक्सेना, पंकज संघवी और एक और वो ग्वालियर का है जो धाकड़ समाज का एक नेता है, उसको आप कांग्रेस का स्टार प्रचारक आप बना रहे हो तो कहीं ना कहीं पार्टी कन्फ्यूज है कि भ्रष्टाचार पर उनको क्या स्टैंड लेना चाहिए। तो इस तरीके से तो काम नहीं चलने वाला। इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी से जब हमने संपर्क किया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि मध्य प्रदेश के कद्दावर लोक निर्माण विभाग के मंत्री सज्जन सी वर्मा ने जरूर इस प्रश्न का जवाब दिया और कहा कि वह जानते हैं कि आनंद राय ऐसा नहीं कह सकते, यह एडिटेड बयान है। भाजपा वाले किस तरीके से ये लोग करते हैं भगवान मालिक है। चुनाव जैसे आपने कहा स्वच्छ प्रतिबद्धता में होना चाहिए, वीडियो भी वायरल हो रहा है कुछ जो बीजेपी के कैंडिडेट है जो उन्होंने कोई जमीनों के पैसे का लेन देन कर दिया, कोई ऑडियो भी हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, कांग्रेस ही इसमें बहुत पीछे हैं, भाजपा के लोग बहुत आगे हैं। ये वीडियो शॉप कहलाता जहाँ भी एडिट किया जाता है ना, तो ये चुनाव के समय ये होता है। ये भाजपा कैंडिडेट पर भी है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि देखो भैया, अब उम्मीदवार तो दे दिए, कांग्रेस ने भी दे दी, बीजेपी भी ने दे दी।